हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वागुड़िया आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम AOCP सेमेस्टर 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर मैकेनिकल ग्रुप एवं केमिकल ग्रुप और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, डॉट पंच के कोण की डिग्री कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए है 90, 60, 30 या 15। तो इसका सही आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका ऑपरेशन फिटर वर्कशॉप में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फाइलिंग। हाथ का ग्लव्स क्या है? दोस्तों, हाथ का ग्लव्स निजी सुरक्षा उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशामक और अनुदेश चार्ट किसकी सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं? ये सब दोस्तों फायर की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरफेस मेटल किस सामग्री से बनता है? ऑप्शन दिए हैं रॉट ऑयल, मुलायम इस्पात, ग्रेनाइट, इलाई हिविल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से सरफेस मेटल को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई स्क्वायर में किसके प्रयोजन के लिए स्लॉट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा दाहिने कोण की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी जॉब पर मार्किंग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्क्राइबर। क्वेश्चन नंबर 8, जॉब पर मार्किंग का क्या लाभ है? तो इसमें आंसर आएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। जॉब बनाने के लिए दिशा निर्देश, जॉब पर लेंथ की लाइन, सटीकता में जॉब को तैयार करना, ये सभी सभी ऑप्शन इसमें आएंगे। वी ब्लॉक का इंक्लूड एंगल हमेशा कितनी डिग्री होता है? वी ब्लॉक का इंक्लूड एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल सॉफ्ट मेटल के फाइलिंग के प्रयुक्त होती है, यानी कि सॉफ्ट मेटल में कौन सी फाइल यूज़ होती है? तो रेस्पकट फाइल यूज़ होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, इस्पात नियम का लीस्ट काउंट कितना मिलीमीटर है? तो 1.5 मिलीमीटर है उसका सही आंसर। शरीर की गति का सूत्र क्या है? तो शरीर की गति यानी कि मोमेंटम, P=mv, एम यानी कि मास और वी यानी कि वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर आएगा mv। फिटर वर्कशॉप में कार्य करते हुए पैर की सुरक्षा किससे की जाती है? ये बहुत ही आसान है, सुरक्षा जूते। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है? तो इसका सही आंसर है 12 से 15। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, दुर्घटना का कारण कौन है? तो दोस्तों इसमें सभी आएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी कि खराब रोशनी होने से भी दुर्घटना हो सकती है, खराब निर्देश से भी दुर्घटना हो सकती है, कार्य में रुचि ना होना, कार्य में अगर रुचि नहीं होगी तो भी दुर्घटना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कठोर तत्व क्या है? ग्लास, तांबा, लीड या हीरा? हम सब जानते हैं कि हीरा यानी कि डायमंड सबसे कठोर तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17, हीटर द्वारा पानी गर्म करना किसका परिवर्तन है? हीटर द्वारा हम अगर पानी गर्म करते हैं तो भौतिक यानी कि फिजिकल परिवर्तन उसे कहते हैं। चाय बनाना किसका परिवर्तन है? जब भी हम चाय बनाते हैं उसमें फिजिकल और केमिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर आएगा क और ख दोनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डिवाइडर का प्रयोग किसके लिए होता है? एक सर्किल बनाने के लिए, एक अर्क बनाने के लिए, दूरी का अंतरण करने के लिए, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा एक सर्किल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, बेंच वाइस के जोक का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? रॉट आयरन, उच्च कार्बन इस्पात, कास्ट आयरन या एलाई हिविल, यानी कि इसका सही आंसर आएगा कास्ट आयरन। वनियर कैलिपर द्वारा सबसे कम गणना कितनी होती है, कितने मिलीमीटर होती है? तो हम सब जानते हैं कि 0.02
जो वन ईयर कैलिपर का स्केल है 0.02 कम से कम। क्वेश्चन नंबर 22, एसिड लाल लिटमस पेपर में बदल जाता है और नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाता है। एसिड लाल लिटमस को नीला यानी कि ब्लू करता है और रेड को नीला करता है। पेपर जल का पीएच क्या है यानी कि शुद्ध वाटर प्योर वाटर की पीएच क्या होती है, तो 7। 0 से 6.9 ओ एसिड रहता है, 7 प्योर वाटर रहता है और 7.1 से वो बेस रहता है। 24, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन क्या होते हैं, लोह अलोह ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर गैस, तो इसका सही आंसर आएगा इनर गैस। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है या कुछ नहीं, तो इसका सही आंसर आएगा नेगेटिव होता है। ऑर्डनेंस कैलिपर को दूसरे किस रूप से जाना जाता है यानी कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 27, मार्किंग टेबल किस से बने होते हैं, मुलायम इस्पात, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील या कास्ट आयन, तो इसका सही आंसर आएगा कास्ट आयन। फाइलें अपने किसके अनुसार वर्गीकृत होती है यानी कि लंबाई, ग्रेड, कट के हिसाब से या ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, लंबाई, ग्रेड और कट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 29, हेक्सो ब्लेड की मानक लंबाई जिसका प्रयोग सामान्यतः होता है वो कितना मिलीमीटर होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा 300 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर की पिच कितनी मिलीमीटर होती है, माइक्रोमीटर की पिच 0.5 मिलीमीटर होती है। स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस का अनुपात किस द्वारा निर्धारित किया जाता है, व्यापार के नियम, चार्ल्स के नियम, क्रूक्स के नियम या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। किसकी वृद्धि के लिए पीरियोडिक टेबल के कारकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर आएगा एटॉमिक नंबर की वृद्धि के लिए पीरियोडिक टेबल के कारकों का प्रयोग किया जाता है। किसको एम्पियर में मापा जाता है, वोल्टेज, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, करंट या कोई नहीं, तो करंट को एम्पियर में मापा जाता है। एक एटम में मास संख्या 35 और एटॉमिक संख्या 17 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो 35 में से 17 को बात करोगे तो 80 इसका सही आंसर आएगा 35। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो लोहा, ब्रास, तांबा या कार्बन, तो इसका सही आंसर आएगा कॉपर यानी कि तांबा। किस पानी में साबुन से जाक या लेदर आसानी से नहीं बनता, वर्षा जल में बन जाता है, मीठे जल में भी बन जाता है, सतही जल में भी बन जाता है, खारा जल में नहीं बनता। 37, केल्विन डिग्री में बर्फ को क्वनाथ बिंदु क्या है, तो उसका आंसर आएगा 273। सूर्य से सौर ऊर्जा पृथ्वी पर किस तरीके से प्राप्त होती है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन या कोई नहीं, तो सूर्य से जो सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो रेडिएशन के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 39, पीरियोडिक टेबल में कॉलम की संख्या कितनी होती है, 22, 24, 18 या 28, तो उसका सही आंसर आएगा 18। यदि तीन प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस 15, 20, 25 ओम की एक श्रृंखला में जोड़े जाए तो सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना ओम आएगा, तो उसका सही आंसर आएगा 60। कटिंग टूल किससे बनते हैं, कास्ट आयन, नर्म इस्पात, निम्न कार्बन इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील, इसका सही आंसर आएगा। 42, क्वेश्चन नंबर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन से रंग का पेंट किया होता है, तो एसिटिलीन होता है मैसन यानी कि मरून रंग का और ऑक्सीजन होता है ब्लैक रंग का। गैस वेल्डिंग में कौन फ्लेम सामान्यत प्रत्युक होती है,
तो कार्बोराइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग है या न्यूट्रल, तो इसका सही आंसर रहेगा न्यूट्रल। किसी भी एसिड का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, मीठा, खट्टा या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है खट्टा। गैस सिलेंडर को खोलने और बंद करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्पिनर, स्पिंडल की, स्क्रू ड्राइवर या चुक की, तो इसका सही आंसर रहेगा चुक की। नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H6 CO3 C6H6 COOH या C6H5NO2, तो इसका आंसर रहेगा C6H5NO2। 47 सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से कॉपर रिकवर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम, आयन, मर्क्यूरी या सिल्वर, तो इसमें सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। ओम का कानून किस पर लागू नहीं होता, डीसी सर्किट पे लागू होता है, हाई करंट पे लागू होता है, छोटा प्रतीक रोधक उस पर भी लागू होता है, वो सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता। बल की एसआई इकाई क्या है, यानी कि बल का यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर आएगा न्यूटन आएगा। दो सतह के संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया पर घर्षण को सीमित करने के अनुपात को परिभाषित किया जा सकता है, तो क्या आएगा, बल, कार्य, घर्षण की सहसमक्षता या ठोस, तो इसका सही आंसर आएगा घर्षण की सहसमक्षता। दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।